का आर्टिकल आया है एग्जेक्टिव लॉन का, ये 90-70 होती है लॉन, एम्ब्रॉयडरी गला होता है इसका, ये दिखाता हूँ मैं। ये इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट का गला दामन वो आगे पैच किया उन्होंने, बिल्कुल डिसेंट और सिंपल सी डिजाइनिंग में डिजिटल में उन्होंने बैक साइड दी हुई है जो कि सूट की ग्रेस को ज़्यादा इन्हेंस करती है। और ये इसके आगे बाजू है, ये इसके साथ सलवार पीस है और ये इसके साथ बैम्बर पे बटा होता है। अस्सलाम वालेकुम, तो ये आज हमारे पास लॉन के एक और आर्टिकल आया है कुरातुल ऐन का, ये देखिए 90-70 की लॉन होती है ये। ये हमारे पास इसका फ्रंट आ जाता है, साथ में इन्होंने साइड पैच दिया होता है, ये इसका गला फ्रंट साइड गला दामन, ये बैक और बैक का दामन बिल्कुल डिसेंट सा सिंपल सा उन्होंने बनाया हुआ है मगर बहुत ही अच्छा डिजिटल है। ये इसके आगे बाजू में, ये साथ में डाई ट्राउजर है इसका, इसके अलावा ये उन्होंने फैल में उन्होंने दुपट्टा दिया हुआ इसका, बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा जो फोर पट्टी होता है वो वाला दुपट्टा है इसका। ये आज हमारे पास लॉन्ग का एक और आर्टिकल आया है, ये होता है कढ़ाई में, पहले हम डिजिटल दिखाते हैं। ये आज एक कढ़ाई में आर्टिकल आया है और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, रेड कलर में ये कुर्ती है, बेहद अच्छा और प्यारा डिज़ाइन है इसका, जाल टाइप उन्होंने बनाया हुआ है। ये इसके साथ डाई ट्राउज़र होता है बिल्कुल प्लेन में और ये इसके साथ जाल वाला दुपट्टा होता है जो कि 50-50 क्रेप की बेस पे होता है और ये बेस काफ़ी अच्छी होती है। ये अस्सलाम वालेकुम, ये आज हमारे पास एक और आर्टिकल आया है लॉन का, ये मिंसा वालों की लॉन होती है, सुप्रीम लॉन होती है और काफ़ी अच्छा स्टफ होता है, ब्लैक शैम्बरे में इन्होंने इसकी कंट्रास्टिंग की होती है। ये इसकी फ्रंट साइड है गला दामन वो साइड पे उन्होंने पैच दिया हुआ है, अगर काट कर आगे लगाने की ज़रूरत पड़े तो बाजुओं के आगे या दामन के आगे। ये इसकी बैक साइड है बिल्कुल सिंपल पे, वन फ्लावर पे बैक साइड है इसकी और ये बिल्कुल सिंपल में डिसेंट डिजिटल में इन्होंने ये दिया हुआ है इसके बाजू। और ये इसका बिल्कुल मामूली सी कढ़ाई के ऊपर इन्होंने दुपट्टा बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल लाइट वेट है और स्टफ के मामले में बेहद बेहतर है दूसरे दुपट्टों में से।